नमस्कार दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बताया है कि अगर आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में अपना ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। आपको ब्रांच में जाना है अपने आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी लेके, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगेगी। आइए लाइव डेमो देखते हैं कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी अपडेट करवानी है तो सबसे पहले आपको एसबीआई की ब्रांच में जाना होगा और वहां जाके आपको एसबीआई का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म लाना होगा और उसको फिलअप करके बैंक में जाके सबमिट करवाना होगा। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ ये फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने डेट देखा होगा, तो यहाँ पर आपको जिस दिन आप फॉर्म बैंक में जाके सबमिट करवाओ उसी दिन की यहाँ पर डेट होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर एड कर देता हूँ पहले। उसके बाद आपकी चेकबुक डायरी में जो भी आपका नाम है, कस्टमर नाम, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपके अकाउंट से जुड़े हुए मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके आपकी चेकबुक डायरी में आपके जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी ब्रांच है वो आप पर यहाँ पर ऐड कर देना है आपको। उसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पर ईमेल आईडी में प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर अपडेट, आपको ईमेल आईडी अपडेट करवानी है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके अपने जीमेल नंबर लिख देना है। और ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर छोटा सा कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और सिग्नेचर होने के बाद आपको इस फॉर्म के पीछे आपको ये आधार कार्ड लगाना है। और ये जब ये आधार कार्ड इसके पीछे लग जाए तो इस फॉर्म को आपको बैंक में जाके सबमिट करवाना है, इससे आपकी ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।